डोईवाला लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार और प्रसार को गति देने के लिए डोईवाला में बीजेपी पार्टी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। बता दें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। जिस प्रकार से देश और प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा सरकार ने विकास कार्यों को अंजाम दिया है, वो पार्टी की बड़ी उपलब्धियों में शुमार है। इसके तहत ही 2024 एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को लोकसभा हरिद्वार का प्रत्याशी बनाए जाने पर मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी जेपी नड्डा जी और प्रत्येक ऐसे हमारा शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने माननीय त्रिवेंद्र रावत जी को लोकसभा प्रत्याशी हरिद्वार बनाया। और निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यकर्ता को इस बात से जोश है, इस बात का गर्व है और ये जो प्रत्याशी है वो एक कार्यकर्ता की तरह है और आज भी वो एक कार्यकर्ता का काम करते हैं, उनकी कार्यशैली को। सर्वप्रथम मैं शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करना चाहूंगा जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। आज उनके अपना जो डोईवाला विधानसभा उसका मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है जिसमें हवन पूजन चल रहा है और सभी कार्यकर्ता बड़े जोश में है। जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का टिकट फाइनल हुआ, पूरे जोशों खरोश से पूरे हरिद्वार लोकसभा सीट पूरे उत्तराखंड में एक त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के प्रति और उनके जो कार्यों के प्रति लोगों की सोच है और उनके ईमानदारी और सच्चाई एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के प्रति प्रत्येक कार्यकर्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के लिए पूरी तत्परता से कार्य करने के लिए तैयार है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टीरी लोग अपने हरिद्वार लोकसभा सीट से उनको 5 लाख से अधिक मतों से विजयी बनाएगा। हरिद्वार संसद क्षेत्र से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। और आप जैसे देख रहे हैं कि पूरी जनता में बहुत उत्साह है, पूरे हरिद्वार संसद क्षेत्र से लेकर पूरे उत्तराखंड में बहुत खुशी का माहौल है कि उन्होंने हमारे जो आदरणीय त्रिवेंद्र जी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पर वो उनका बहुत अनुभवी हैं, अनुभवी नेता हैं।